भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने आज हल्का नांगल चौधरी के आधा दर्जन से अधिक गांव का दौरा करते हुए लोगों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। गांव कमानिया में निर्धारित समय से लगभग 2 घंटे देरी से पहुंची पूर्व सांसद को सुनने के लिए ग्रामीण पलक फावड़े बिछाए बैठे रहे। वहीं हरियाणवी लोक गायक अमित चौधरी और उनके सहयोगियों ने लोक गीतों का ऐसा समा बांधा कि वहां मौजूद ग्रामीण प्रादेशिक लोक गीतों का लुत्फ उठाते हुए नजर आए और समय का पता ही नहीं चला। लगभग 2 घंटे देरी से पहुंची पूर्व सांसद ने ग्रामीण जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नांगल चौधरी जैसे सूखे संभाग में पानी उपलब्ध करवाना उनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही थी। वहीं अब बीजेपी के लोग अंतिम छोर तक नहरी पानी पहुंचाने का दावा करते नहीं थकते, लेकिन शायद उन्हें यह मालूम नहीं है कि इस इलाके के अंतिम छोर तक नहरों का जाल बिछाने का काम उनके दादा व नए हरियाणा के जनक कहे जाने वाले चौधरी बंसीलाल ने ही किया था। जो नहर उस समय में बनी थी आज उनकी सही तरीके से मरम्मत तक नहीं हो पा रही है। पूर्व सांसद ने कहा कि निजामपुर नलावटी और गुज्जर बाहुल्य गांव के लोग आज भी नहरी पानी से सिर्फ इसलिए वंचित हैं कि वहां वर्तमान सरकार उनके लिए नहर के खालों का नवनिर्माण तक नहीं करवा पा रही है। श्रुति ने कहा कि सूखे की मार झेलते यहां के किसानों को झूठे आश्वासन देकर टरका दिया जाता है, लेकिन उनकी समस्याओं के समाधान बाबत जमीनी स्तर पर कोई पहल अभी तक संभव नहीं हो पाई है। पंजाब में कांग्रेस मुख्यमंत्री के बदले जाने पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि यह हाईकमान का फैसला है, इसके बाबत कुछ भी कहना बेमानी होगी। कमानिया में निर्धारित समय से लेट पहुंची श्रुति चौधरी का ग्रामीण महिलाओं सहित अन्य लोगों ने भी विभिन्न तरीकों से भव्य स्वागत किया। इस मौके पर नांगल विधानसभा से पार्टी के पूर्व प्रत्याशी राजाराम गोलवा सहित संदीप कमानिया, अशोक यादव, वेद प्रकाश डेलीगेट, राजेंद्र सरपंच, इकबालपुर नंगली, धर्मेंद्र यादव सहित पूर्व सरपंच निहाल सिंह सहित सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। K9 मीडिया के लिए नांगल चौधरी से शुभम शर्मा की रिपोर्ट। नेतागण चंद्रप्रकाश एडवोकेट जी, राजेंद्र यादव जी, सरपंच साहब, बड़े बुजुर्गों को, प्यारी प्यारी माताओं, बहनों को, भाइयों को, सबको मेरा प्रणाम। मैं भाई संदीप का धन्यवाद करती हूँ, अशोक का धन्यवाद करती हूँ कि आपके जरिए से मैं आपके बीच में फिर से आऊंगी जब चुनाव होगा। आपका आशीर्वाद है। अभी तो टाइम है, 2.5 साल पड़े हैं। राजनीति में तो एक दिन भी कहते हैं कि बहुत लंबा होता है, पता नहीं क्या से क्या बदल जाता है। 2.5 साल तो बहुत बड़ी लंबा रास्ता है, लेकिन जरूर आप ये सोचिएगा। बीच में आई हूँ और मुझे बहुत इंतज़ार था कि मैं जाऊँ गांव गांव और शुरू कर दिए दौरे। मैंने लोगों में कितना कुछ लोग किस इतनी बुरी हालत से महामारी से जूझ के और इतनी सारी ज़मीनी रूप पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो लोगों के बीच में जा रहे हैं। मैडम, पंजाब में जो घमासान मचा हुआ है और हरियाणा में भी कुछ एक नेता हैं जिनका हम तो नाम नहीं लेंगे जो तानाशाही कर रहे हैं, जिस तरह से पंजाब में तानाशाही का जो है कैप्टन को खामियाजा भुगतना पड़ा, क्या हरियाणा में भी इस तरीके कोई हो सकता है? देखिए, ये हाई कमांड के लेवल की डिसीजंस हैं और इसमें तो मैं क्या टिप्पणी करूँ। मैं तो यही कह सकती हूँ कि अपना काम करिए, लोग हैं सामने, उनके लिए जो भी आपकी जिम्मेदारी है, मेरा ग्रास रूट में काम है और इस टिप्पणी में मेरा कोई अभी करने का वो नहीं है। कार्यकर्ता जो अभी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन हो रहा है, ये अभी से चुनाव की तैयारी माने या सिर्फ जो काफ़ी दिन से मिल नहीं पाए थे कोरोना के कारण, उस कारण से मिल पा रहे हैं? चुनाव तो अभी 2.5 साल दूर है और क्षेत्र है ये मेरा, बहुत यहाँ पे काम किया है मैंने, लगाव है, लोग बहुत बुलाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और जैसे आपको पता है कि एक मेरे कार्यकाल में कितना यहाँ पे ज़बरदस्त यहाँ पे मैंने काम किया, तो वो तो लगाव तो है ही ना।
नई टीम भी जुड़ रही है उसको लेकर कैसा फीलिंग कर रहे हैं? नई टीम ये ही काम है हमका हमारा कि नए पुराने लोगों को इज्जत उनकी बनी रहे, पुरानी टीम नहीं आ रही आपके साथ और नई नई लोगों को पुरानी टीम एक भी चेहरा नहीं आपके साथ कौन सा पुराना सारे देखिए सारे वेलकम है और जिसको भी